नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का समय, दोस्तों अप्रैल माह के आखिरी 6 दिन आप सभी के जीवन काल पर लाने वाले हैं बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण बदलाव। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार आप सभी के जीवन काल में इन समयावधि में इतनी बड़ी और इतनी भयानक शुभ घटना होने वाली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष सलाहकारों का यह कहना है कि यश में होने वाली घटना आपकी राशि के होश उड़ा देंगे। जी दोस्तों, यश में जो खुशखबरियां आपको मिलने वाली हैं सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर दोस्तों वह कौन सी बड़ी खुशखबरियां हैं, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह वीडियो का निर्माण ग्रहों की पूरी विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों समय निकालकर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हम आप सभी को दावे के साथ कह दें कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल यूं ही जाया नहीं होंगे। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिख दें। श्री राम जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे विचार से, बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जिन्हें दोस्तों आप अपने जिंदगी में ढाल लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा, जिनसे दोस्तों आप सभी का पूरा भविष्य बदल सकता है। तो दोस्तों इन बातों को आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुने कि दोस्तों दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय होए। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को ही भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करें तो दोस्तों दुख कभी आएगा ही नहीं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में अगर कोई भी अच्छे कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों इन बातों को आप अपने जीवन काल में आज से ही ढाल लें कि दोस्तों अगर आपके जीवन काल में कोई शुभ अवसर आए, शुभ परिस्थिति का निर्माण हो तो दोस्तों उनमें आप ईश्वर का सुमिरन जरूर करें, ईश्वर के प्रति अपना विश्वास आस्था जरूर रखें। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप सुन पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के समयावधि में आप शिव के जीवन काल में कौन सी सबसे भयानक खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों यश में दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी। बेहतर होगा कि दोस्तों यह समय दिन की शुरुआत आपने कार्य संबंधी रूपरेखा बनाकर करें। विद्यार्थियों को भी अपनी मेहनत के अनुरूप यश में उचित परिणाम भी हासिल होंगे। दोस्तों युवा वर्ग को अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में किसी मित्र के साथ कहा सुनी हो सकती है। यश में धैर्य और संयम के साथ काम लें। वाहन या फिर किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खराब करने की वजह से आपके सामने खर्चे भी आ सकते हैं। दोस्तों कोई भी यात्रा करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों काफ़ी सारी बातें आपके मन के मुताबिक होने की वजह से आपको आनंद भी मिलेगा, परिवार से आनंद प्राप्त होगा, पेशे संबंधित कोई खास खबर भी यश में आपको मिल सकती है जिनकी वजह से परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों खर्चे कम होने की वजह से आप पर बना दबाव भी यश में कम होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय कुछ समय से चले आ रहे तनाव से आपको राहत मिलेगी तथा पुनः घर की सुख सुविधाओं संबंधी जरूरतें पूरी करने का आपका जो पूरा प्रयास उसमें रहेगा। दोस्तों आय के नए स्रोत भी यशमय बनने की संभावना बन रही है। दोस्तों यशमय अधिकतम व्यवस्था के कारण आप घर पर आराम नहीं करेंगे। दोस्तों यह समय संतान की वजह से कोई चिंता भी आपके ऊपर रह सकती है, परंतु दोस्तों यह समय गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें, ये आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। नकारात्मक विचारों को हावी यश में अपने ऊपर ना होने दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में काम में गति प्राप्त करने की आपकी इच्छा होने के बावजूद भी आप यश में मनचाहा गति अपने काम में नहीं ले पाएंगे। दोस्तों यश में काम के आखिरी वक्त तक नहीं कहोगे काम आखिरी वक्त तक नहीं होंगे, लेकिन अंत में सारी चीजें आपके मन के मुताबिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों संयम रखना आपके लिए जरूरी होगा। मित्र परिवार की वजह से आपकी इसमें चिंता बढ़ सकती है।
साथ ही दोस्तों यश में प्रॉपर्टी के सेल परचेज संबंधी कोई योजना बन रही है तो तुरंत उस पर अमल करें। यशमय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है, आपको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपका यशमय रुझान बढ़ेगा, आत्मिक उत्थान करेगा। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होगी, घर में किसी बात को लेकर कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों संतान की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखने की आपको आवश्यकता होगी। दोस्तों मामा पक्ष के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाकर रखें। यह समय अनावश्यक यात्रा के स्थगित रखने की आपको जरूरत होगी। इसके कारण दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, अधिकतर वक्त अकेले गुजारने की वजह से आपके अंदर अकेलापन का डर बढ़ रहा है। दोस्तों यह समय आपको अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर लोगों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करनी होगी। नए कामों को करने से आप कोशिश करेंगे। दोस्तों यह समय जिनकी वजह से आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, नए अनुभव भी आपको यह समय प्राप्त होंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आप यह समय शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को दृढ़ संकल्प या फिर सुदृढ़ महसूस करेंगे। दोस्तों यह समय आपके लक्ष्य व फिर कार्य प्राथमिकता में रहेंगे। दोस्तों कोई भूमि संपत्ति की खरीदारी संबंधी रूपरेखा भी यशमय बनेगा। रिश्तों की मजबूती को बढ़ाने में आपका यशमय विशेष योगदान रहेगा। इसके बाद दोस्तों यह समय संतान संबंधी किसी नकारात्मक बात को लेकर घर के वातावरण में कुछ उदासी भी छाई रहेगी, परंतु दोस्तों अपने सहयोग द्वारा समस्याओं को सुलझाने की आप कोशिश करें। जोखिम भरे कार्यों से यह समय दूर रहें। भाइयों को भी भौतिक व फिर भावनात्मक रूप से काफी हद तक मदद की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों अभी तक ली हुई मेहनत का फल यश में दिखेगा। फिलहाल दोस्तों हर कोई बात आपकी योजना के मुताबिक होने वाली है, इसलिए दोस्तों व्यर्थ की चिंता को छोड़कर यश में काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। छोटी प्रगति भी आपको यश में बड़ा आनंद प्राप्त करवाएगा। वही दोस्तों यश में अगर आपकी करियर यानी व्यवसाय को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसाय में किसी भी तरह की साझेदारी के लिए समय उत्तम है। दिन के दूसरे पक्ष में स्थितियां अति अनुकूल हो जाएंगी, परंतु दोस्तों कार्यस्थल की आंतरिक स्थिति में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। दोस्तों यह समय कर्मचारियों के साथ भी उचित सामंजस्य बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में व्यापारिक मंदी की वजह से थोड़ी सी चिंता भी रहेगी। यह समय काम करने की प्रणाली में बहुत कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी कोई अनचाहा कार्य करने की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय के कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएंगी। सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से भी संपन्न होते जाएंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को यह समय दिन का जो हिस्सा होगा महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का समय होगा। दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसायिक गतिविधियों में भी यह समय सुधार आएगा। वहां दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय विवाहित जीवन साथी प्रेम संबंध दोनों ही सौहार्दपूर्ण रहेंगे। दोस्तों भावनात्मक नजदीकियां यह समय बढ़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, कभी कभी आपका उत्तेजित स्वभाव आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर देता है। दोस्तों इसमें भावुकतापूर्ण व्यवहार रखने से घर का माहौल पुनः सुधर जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय पति पत्नी के मध्य में उपज रहे तनाव का असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों आप परिस्थितियों को संभालने में भी यह समय सक्षम रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी का आपसी सहयोग घर परिवार के वातावरण को भी सुखद और मधुर बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों को भी जल्दी ही विवाह में परिणित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद दोस्तों यह समय अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या रह सकती है। दोस्तों यह समय व्यायाम आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, गले या फिर छाती में कफ संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है। लापरवाही ना बरतें और तुरंत यह समय इलाज लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।